आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विछंड, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है शायद आजत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। मित्रों, ये देखने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अर्जी क्या लगाई थी। उनकी पटिशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि ये बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोल कर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के, बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड शुड हैव रीजन टू बिलीव एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट, ही मे अरेस्ट सच अ पर्सन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशियंट मटीरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की।